मेरा हम ऑलरेडी इसको ठंडा कर चुके हैं, तो आप भी आ जाइए पीने के लिए। चेस आपके साथ। इतना ठंडा हुआ है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आ चुके हैं। तो गाइस, आजकल जो गर्मी पड़ रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, सो आप देख सकते हैं कि पूरा जो है हमारा पसीना निकल के आता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो गाइस, इस गर्मी में हम सभी का एक ख्वाहिश होता है कि घर में एक अच्छा खासा फ्रिज हो, और उसके बाद जो है हम जूस वगैरह सब कुछ रख के उसको ठंडा करके पिए। सो हम सभी का एक शौकिंग होता है, ठीक है। तो हमारे पास तो फ्रिज नहीं है, सभी का घर में तो ज़्यादातर फ्रिज नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? हाँ, हमारा दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम घर बैठे बैठे एक छोटा सा फ्रिज बना के देखते हैं। थोड़ा बहुत हम ठंडा करके जो है वो ठंडा वगैरह सब कुछ हम पी सके। तो गाइस, इसके लिए हम एक आइडिया निकल के आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को घर बैठे बैठे एक छोटा सा और भी अच्छा खासा ठंडा हो, तो हम इसके लिए एक छोटा सा फ्रिज बना के दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि गाइस आप अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे जो है आप घर बैठे ओनली 1000 खर्चा करके जो है आप एक छोटा सा और अच्छा खासा ठंडा हो तो आप कैसे बनाइए। तो इसके लिए इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी जो है फ्रिज बना चुके हैं। तो चलिए हम आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि कैसे हम इसको तैयार किए हैं। तो चलिए गाइस, अभी देरी नहीं करते हैं, इस वीडियो को फटाफट से चालू करते हैं। तो चलिए, तो भाई सबसे पहले जो है आपको थर्मोकॉल की ज़रूरत पड़ेगा। सो हम ऑलरेडी इसको कट चुके हैं हमारा फ्रिज के साइज़ के हिसाब से। सो चलिए, इसको हम साइड में रखते हैं, और उसके बाद आपको जो है एक हीट सिंक लगेगा, जो है हम हमारा हीटिंग साइड में लगाएंगे पिल्टर मॉडल्स का। और उसके बाद एक बड़ा वाला फ़ैन ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ले लेना है पिल्टर मॉडल्स जो है हमारे पास 15 वाट का। और उसके बाद जो है आपको एक छोटा सा हीट सिंक ले लेना है, और ये जो आप नेट देख रहे हैं सो इसको हम बड़े वाले पंखे में लगाने वाले हैं। और एक छोटा सा फ़ैन ले लेना है आपको, क्योंकि हम अंदर में लगाने वाले हैं। और उसके बाद जो है हमारा करंट सप्लायर, सो हमारे पास जो है वो 12 वोल्ट का 20 एम्पियर, सो इसको हम लगा के जो है हमारा फ्रिज में करंट सप्लाई करेंगे। तो गाइस, उसके बाद जो है आपको एक स्केल ले लेना है, और ये जो आप खिल देख रहे हैं सो हम हमारा बॉक्स जब बनाएंगे उसी टाइम जो है काम में आएगा। तो उसके बाद और एक चीज़ जो लेना है आपको, वो फेविकॉल वो चिपकाने के लिए। तो चलिए गाइस, हम आप लोग थर्मोकॉल कट करके दिखाते हैं। सो उसके बाद इसके ले लेना है, और एक चाकू की ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए, हम आप लोगों को थोड़ा सा कट करके दिखाते हैं। कुछ इस तरह जो है आपको दाग लगा देना है, और उसके बाद कुछ इस तरह जो है आपको कट कर लेना है। तो गाइस, हमारा जो पीसेस है वो ऑलरेडी हम काट चुके हैं, और हम जो कट किए हैं वो एक 12 इंच का और एक 11 इंच का। सो 12 इंच के ऊपर जो है वो हम 11 इंच जो हम कट किए हैं सो उसको हम लगाने वाले हैं फेविकोल की मदद से। और ये जो आप खील देख रहे हैं सो उसको हम लगाएंगे इसीलिए कि उसमें मजबूत होगा, इधर उधर नहीं होगा, इसीलिए हम उस खील को जो है हम यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा जो बॉक्स है वो ऑलरेडी फुल्ली बन चुका है। तो हमारा जो फ्रिज का बॉक्स है सो कुछ इस तरह जो है आपको बॉक्स अपने हिसाब से बना लेना है। और हम जो हमारा जो मेसिंग है उसको हम लगाने वाले हैं ऊपर की तरफ से। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हैं पिल्टियर मॉडल्स, ए वाला हो गया आपका कूल साइड, और ए वाला हो गया आपका हॉट साइड। तो चलिए, हम पेस्ट के मदद से जो है इसको हम लगा देंगे हीट सिंक के ऊपर, और उसके बाद छोटा वाला हीट सिंक भी लगा देंगे ऊपर में, और इसको नाट से हम इसको कस कर देंगे। और उसके बाद जो गाइस, अब हमारा जो बड़े वाला पंखा है उसको हम लगा देने वाले हैं बड़े वाला हीट सिंक के पीछे, और जो आप नेट देख रहे हैं सो इसको हम लगा देंगे फ़ैन के पीछे। तो चलिए, उसको हम बिठाते हैं हमारा फ्रिज बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से, बैठा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो वायर है गाइस उसको हम निकालने वाले हैं पीछे की तरफ से। तो कुछ इस तरह जो है हम निकाल लेंगे वायर को,
लेकिन गाइस एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि रेड वायर को रेड वायर से जोड़िएगा और ब्लैक वायर को ब्लैक वायर से जोड़िएगा, काहे कि इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है, ठीक है। और ये जो छोटा वाला आप वायर देख रहे हैं, सो इसको हम लगाए हैं जो अंदर में हम पंखा लगाए हैं, फ़ैन लगाए हैं, उसका ही वायर है। सो कुछ इस तरीके से हम लगा के रखे हैं, तो आप चाहो तो इससे भी अच्छा करके जो है आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऊपर का जो हम ढक्कन बना के रखे हैं, सो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो हमारा जो है वो ढक्कन लग चुका है, तो इसके बाद जो है हम इसके ऊपर एक स्टिकर मारना चाहते हैं कि देखने में अगर अच्छा हो, तो इसलिए तो कुछ इस तरीके से जो है हम आठा के मदद से हम इसको लगाने वाले हैं। तो चलिए, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रिज है वो पूरा फुल्ली बन चुका है। तो गाइस ये जो वायर आप देख रहे हैं ये पिल्टियर मॉडल्स और फैन का, और इसमें जो वायर निकल के आएगा वो है अंदर का जो फैन है उसका वायर। सो चलिए हम इसमें एक लाइट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि गाइस अगर हम लाइट लगाएंगे तो इसके अंदर जो है वो लाइट रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसमें लाइट लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे जो है वो आप लाइट लगा सकते हैं। गाइस कुछ इस तरह जो है लाइट ज़रूरत पड़ेगा, और ये जो गाइस आप एक आईसी देख रहे हैं, सो इसको थोड़ा सा जो करंट है इसको कंट्रोल करने के लिए इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लगा लीजिएगा तो ज़रूर। तो चलिए हम इसको अंदर सेट करते हैं और उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस हम हमारा फ्रिज के अंदर ऑलरेडी लाइट लगा चुके हैं इसके अंदर, ठीक है, और इसका कनेक्शन भी जो है वो हम कर चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो ये जो दोनों वायर है गाइस ये पेल्टियर मॉड्यूल्स का, ठीक है, आपको रेड में रेड लगाना है और वाइट के बदले ब्लैक में लगाना है, ठीक है। गाइस एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि ब्लैक में ब्लैक और रेड में रेड जरूर लगाइएगा। मान लीजिए कोई भी वायर में रेड एंड वाइट है, सो उसमें जो है आप रेड को रेड में लगाइएगा और वाइट को ब्लैक में लगाइएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम हमारा जो अंदर का जो फैन है और जो लाइट है, सो उस सभी का वायर जो है वो एक साथ हम जोड़ दिए हैं, क्योंकि अंदर का फैन और बाहर का जो हीटर वाला फैन और लाइट का तीनों ही एक साथ इसलिए जोड़े हैं क्योंकि जो पेल्टियर मॉडल्स है उसको ज़्यादा वोल्टेज देना है इसलिए, ठीक है। तो चलिए गाइस हम दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको सेट करना है। तो उसके लिए आपको जो चीज़ है गाइस इसको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, हमारे पास है 12 वोल्ट 20 एम्पियर, सो आप इसको लगा के इस फ्रिज को चला सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को वायर इस सभी वायर का कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि LN इसमें जो है आपको करंट का जो वायर होता है, सो इसमें इस दोनों में आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। गाइस आप जो देख रहे हैं V+ और V-, सो इसमें एक वायर प्लस में लगाना है और एक वायर जो है वो माइनस में लगाना है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में जरूर रखिएगा, काहे के उल्टा पलटा ना हो तो दिक्कत तो नहीं होगा लेकिन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को वायर को जोड़ के दिखाते हैं। देखते हैं V+ और V-, तो इसमें आपको क्या करना है जो है V+ में वो वाइट वाला लगा देना है, तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा वायर जो है वो पूरा फुल्ली लग चुका है। सो चलिए इसको हम करंट देते हैं और उसके बाद फ्रिज को टेस्ट करते हैं। तो गाइस हमारा फ्रिज हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं 2 घंटे पहले, सो चलिए हमारा जो सभी चीज़ जो है वो पूरा का पूरा ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम आप लोगों को थोड़ा चेक करके दिखाते हैं। हम ऑलरेडी इसको ठंडा कर चुके हैं, ठीक है, इसको हम पियेंगे, तो आप भी आ जाइए पीने के लिए। लेकिन एक चीज़ तो है गाइस के बड़े फ्रिज जैसा तो ठंडा नहीं हो सकता है, लेकिन काम चलाने के लिए बहुत ही अच्छा खासा ठंडा कर देता है मेरा वाला फ्रिज, ठीक है। आप अगर इसको और भी अच्छी तरीके से आप अगर बनाइएगा तो हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा ठंडा कर देगा, ठीक है। तो चलिए चेस आपके साथ, आप अगर मेरे साथ होते तो हम भी आपको पिलाते, लेकिन हमारे पास है और भी 2-3 ठो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन गाइस एक ही बात में बोलूँ तो ठंडा बहुत ही अच्छा करके देता है, ठीक है, सिर्फ 1000 खर्चा करके इतना अच्छा खासा
आप फ्रिज एक घर में बैठे बैठे कम चलाने के लिए तो ज़रूर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना ठंडा हुआ है, कैमरा में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको क्या बोले, अगर आप मेरे पास होते तो हम आपको एक पिलाते ज़रूर, ठीक है। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा दिया हुआ वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और गाइस आप अगर हमारे इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, क्योंकि गाइस हम इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो कोई भी टाइम में लेके आते रहते हैं हमारे इस चैनल में, ठीक है। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और गाइस अपना ख्याल रखना, ठीक है।